कैसे हो भाई लोग। डायमंड कैसीनो हाइस्ट की गाइड है यह वीडियो, जिसमें कि मैं आपको कैसीनो स्कोप आउट करने से लेकर प्लानिंग करना, प्रेप करना, एंट्री कहां से करना है, एग्जिट कहां से होना है, किस अप्रोच को कैसे अंजाम देना है, ये सारी बातें बताऊंगा। इसके साथ साथ और भी छोटी छोटी बारीकियां बताऊंगा बहुत ही आसान शब्दों में। इस वीडियो को देखकर आप भी कहोगे कि ये हाइस्ट करना कितना आसान है, एकदम बच्चों का खेल है ये। आज यही कॉन्फिडेंस पैदा करूंगा मैं आपके अंदर। अगर ना कर पाऊं तो डिसलाइक दबाना, अगर कर दूं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है डील। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आपको मैप में मिरर पार्क में ठीक यहाँ आना है, एल के पास, L4 लेस्टर लंगड़ा। यहाँ आकर आप लेस्टर लंगड़े से मिलोगे, कटसीन चलेगा, कटसीन कंप्लीट करने पर आपको आर्केड खरीदने कहा जाएगा, जिसे कि आप अपने फोन में फोरक्लोजर मेज बैंक वेबसाइट में यहाँ आर्केड फिल्टर करके खरीद पाओगे। यहाँ टोटल 6 आर्केड दिखेंगे आपको, जिसमें से सिटी वाला ही खरीदना है आपको। सिटी में आप मेरी पर्सनल फेवरेट लोकेशन वाइनवुड वाला आर्केड ले सकते हो, जो कि सबसे महंगा है 2.5 मिलियन का। लेकिन अगर आपका बजट प्रॉब्लम है तो आप 1.8 मिलियन वाला ला मेसा वाला भी ले सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको वाइनवुड वाला ही रिकमेंड करूंगा। आगे आपकी मर्जी। अब आपने आर्केड खरीद लिया तो बहुत थोड़े से शब्दों में बता दूं कि आर्केड अपने आप में खुद एक बिजनेस है, लेकिन ये एकदम लुल बिजनेस है सर। अगर आपने ये सारे मशीन्स प्रॉपरली इंस्टॉल कर भी लिए तो भी ये बिजनेस मैक्सिमम सिर्फ 5,000 पर घंटे कमा के देगा आपको, इतना ज्यादा लुल है ये बिजनेस। एक चीज अच्छा है आर्केड में, जो कि आपके रोजमर्रा GTA जिंदगी में काम आएगा, वो है मास्टर कंट्रोल टर्मिनल, ये सुपर कंप्यूटर। इसके लिए आपको और अलग से 2 मिलियन देना होगा। आप इसे बाद में भी ऐड कर सकते हो अपने आर्केड के इस कंप्यूटर से ही। इस सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए आप अपने सारे मोटरसाइकिल बिजनेस, नाइट क्लब, बंकर, हैंगर, ये सारे बिजनेसेस को आपको रिसप्लाई करना, इनकी सप्लाई बाई करना, प्रोडक्शन मैनेज करना, प्रोडक्ट सेल करना, ये सारे चीजें आप यहीं से मैनेज कर सकते हो। इसलिए ये एक कमाल की चीज है, जिसे कि बाद में आप ऐड जरूर कर लेना, या फिर अगर बजट है तो अभी ही कर लो। अब चलिए वापस मुद्दे पे आते हैं, द डायमंड कैसीनो हाइस्ट वाले मुद्दे पे। आर्केड आ गया अपने पास, यहाँ इसके बेसमेंट में लेस्टर लगना फिर से मिलेगा आपको, एक कटसीन चलेगा। इसके बाद अब बारी आती है डायमंड कैसीनो को स्कोप आउट करने की, उसका मुआयना करने की। हमें यहाँ कैसीनो के सारे एग्जिट्स और एंट्री पॉइंट्स को स्कोप आउट करना है। अच्छी बात यह है कि इस मिशन को सिर्फ 1 टाइम ही करना होता है। कैसीनो पहुंचकर आप सबसे पहले इस मेन एंट्रेंस का फोटो लीजिए और लेस्टर को सेंड करिए, फिर इस चौकीदार का भी लीजिए। अब मेन गेट से अंदर एंटर करिए, अब इस सिक्योरिटी गार्ड का फोटो लीजिए, किसी भी दरवाजे के बगल में लगे हुए कीपैड का लीजिए और छत पर लगे हुए CCTV कैमरे का भी। अब अगर आपके पास पहले से ही पेंट हाउस है तो आप मैनेजमेंट एरिया में घुस सकते हो और यहाँ आकर मिस बेकर के टेबल पर ये जो ब्लू प्रिंट है, आप इसका फोटो ले सकते हो, ताकि आप एक नकली तिजोरी खरीद कर उसको हैक करने की प्रैक्टिस कर पाओ। मेरी मानो तो ये उतना जरूरी नहीं है, तो आप भी इसे स्किप कर सकते हैं। इसके बाद आप एलिवेटर का इस्तेमाल करके छत पर चले जाइए। यहाँ बार के पीछे वाला ये जो डोर है, इसका फोटो लीजिए, एक इस पुल के पास वाले का, पीछे में जो सिक्योरिटी डोर्स हैं उनका भी फोटो लीजिए, और इधर दूर राइट साइड वाला है इसका भी। इसके साथ ही किसी भी दीवार पर लगे यहाँ CCTV कैमरा का भी एक फोटो ले लीजिए। यह सब निपटा के हेलीपैड एरिया में आइए और यहाँ नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ के हेलीपैड एंट्रेंसेस का फोटो लीजिए। इसके बाद यहीं से नीचे कूद जाइए पैराशूट लगा के। अब यहाँ पीछे वाले डोर का भी फोटो ले लीजिए और कैसीनो के नॉर्थ के तरफ जो है उसका भी। अब 2 और हिडन एंट्रेंस है जिनका फोटो आपने जरूर खींचना है। पहला ये है, ये सिक्योरिटी टनल एंट्रेंस ठीक यहाँ पर, और दूसरा कैसीनो के पीछे के तरफ ये जो नाला है ठीक यहाँ, सीवर का रास्ता जाता है थोड़ा अंदर आकर इस वाले सीवर टनल का। हो गया, ये फोटो खींचा खिंचौली वाला चीज इतना सा ही था। अब आगे बढ़ते हैं वॉल्ट वैल्यूएबल्स की ओर। हम वॉल्ट के अंदर क्या माल है इसका पता लगाएंगे और उसके साथ ही 5 और पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट का। इस मिशन को स्टार्ट करने पर हमें ऑब्जर्वेटरी जाना होगा। यहाँ इस नामुराद गार्ड को मार के भी इसका फोन छीन सकते हो आप, या फिर इसके पास में खड़े होकर ये हैक भी कर सकते हो। गार्ड का फोन हैक करके आपको कैसीनो के अंदर घुसना है। आपका फोन निकाल कर साइट सीयर ऐप खोलिए, इसमें सिग्नल स्ट्रेंथ को फॉलो करिए इस मीटर को फुल होने तक। ये होने पर अंदर का कैमरा कंट्रोल आपके हाथ आ जाएगा, फिर कैमरा लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट की ओर घुमाइए, तब तक जब तक की स्क्रीन पर ये पॉपअप नहीं आ जाता लेफ्ट साइड नीचे कॉर्नर पर, जहाँ लिखा होगा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट स्कोप। यहाँ आपके काम के 6 रूम्स हैं, 5 रूम में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, 6वां रूम में आपका वॉल्ट होगा, जिसमें कि आपका असली माल पानी होगा, जिसे कि आप लूटने वाले हो। वॉल्ट के अंदर का माल पानी रेंडमली कुछ भी हो सकता है, जिसमें कि ज्यादातर टाइम अंदर कैश ही मिलेगा आपको, जिसकी पूरी टोटल वैल्यू 2.1 मिलियन लगभग होती है। इसके अलावा पेंटिंग भी हो सकती है, जिसकी वैल्यू 2.3 मिलियन वगैरह होती है। कभी कदर आपको गोल्ड भी मिल जाएगा, जिसकी टोटल कीमत 2.5 मिलियन वगैरह है। इन सब के अलावा और एक रेयर चीज है, वो है डायमंड।
डायमंड्स, जिसे कि रॉकस्टार सिर्फ स्पेशल इवेंट पर ही एक्टिवेट करता है। डायमंड की टोटल वैल्यू होती है 3.6 मिलियन वगैरह। अब हमने अपना टारगेट लोकेट कर लिया है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी डिस्कवर कर लिया है। अब बारी आती है कि हम अपना अप्रोच डिसाइड करें और प्रेप मिशन शुरू करें। इस हाइस्ट को अप्रोच करने का 3 तरीका है। पहला साइलेंट एंड स्नीकी, जिसमें कि हमें बिना डिटेक्ट हुए साइट के एंट्रेंसेस से घुसना है और इनिमीज को साइलेंस्ड वेपन का इस्तेमाल करते हुए मारना है। अगर सही तरीके से किया जाए तो बिना एक चवन्नी का नुकसान हुए हम इस हाइस्ट को अंजाम दे सकते हैं। दूसरा अप्रोच, जो कि सबसे आसान, सबसे सुलभ, सभी का फेवरेट अप्रोच, द बिग कॉन अप्रोच है, जिसमें कि गार्ड का भेष धारण करके हम सीधे अंदर घुसते हैं, माल पानी लूटते हैं और बिना किसी को भनक लगे, बिना एक गोलियां चलाए, बिना एक डॉलर गवाए इस हाइस्ट को अंजाम देते हैं। तीसरा है अग्रेसिव अप्रोच, जिसमें कि गोली चलाते हुए, बम धमाके करते हुए हम अंदर घुसते हैं और लूट लेकर गोली चलाते हुए, सबसे लड़ते हुए हमें बाहर निकलना होता है। इन सारे अप्रोच के बारे में बहुत ही ज्यादा डिटेल में हम थोड़ी देर बाद जानेंगे। अभी हमने इनमें से कोई एक अप्रोच को सिलेक्ट कर लिया। अब बारी है टीम चुनने की। हर क्रू मेंबर का अलग तरह का प्रेप वर्क होता है और अलग आइटम भी होता है जो कि आप हाइस्ट में इस्तेमाल करोगे, जैसे कि वेपन्स। और इनमें कुछ क्रू मेंबर सिर्फ तब अनलॉक होंगे जब आपके पास वो सर्टेन प्रॉपर्टी होगा या आप उनके साथ पहले किसी मिशन में काम कर चुके होंगे। चलिए सबसे पहले हम गनमैन से शुरू करते हैं। हमारे ऑप्शन है कार्ल अब्लाजी, गुस्तावो मोटा, चार्ली रीड, चेस्टर मिक्वाय और पैट्रिक मैक्रीडी। कार्ल और गुस्तावो सबके लिए अवेलेबल है, लेकिन चार्ली सिर्फ तब अनलॉक होगा अगर आपके पास हैंगर हो। चेस्टर सिर्फ तब अनलॉक होगा अगर आपके पास बंकर या एरिना वर्कशॉप हो। और पैट्रिक को अनलॉक करने के लिए उसको अपने पुलिस से बचाना है, जो कि रैंडम इवेंट वाला मिशन रहेगा फ्री वोट में। आप जो भी अप्रोच चुनोगे, कार्ल ही हमेशा आपका बेस्ट ऑप्शन है। हाँ, ये सस्ता है, लेकिन जो वेपन्स ये प्रोवाइड करता है वो काम को अंजाम देने के लिए काफी है। सिर्फ और सिर्फ अग्रेसिव अप्रोच में आप चाहे तो कोई महंगा गनमैन चुन सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भर भर के आपको गोलियां चलानी है। ऐसे में मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पैट्रिक को अनलॉक करो और इसे चुनो, क्योंकि वो बेस्ट असल्ट राइफल देगा आपको, 100 राउंड वाला कॉम्बैक्ट एमजी। अभी के लिए मैं मानता हूँ आपने कार्ल को चूज किया है। कार्ल को चूज करके आप वो लोडआउट सिलेक्ट कर लो जो आपको पसंद आए, इसका मिशंस कंप्लीट करके वो वेपन्स ले आओ। इसके बाद ड्राइवर्स में हमारे पास ऑप्शंस हैं करीम डेंस, तालियाना मार्टिनेस, एडिटो, जैक नीलसन और चेस्टर मैकवॉय। करीम, तालियाना और एडी सभी के लिए अनलॉक होंगे, लेकिन जैक सिर्फ तब अनलॉक होगा अगर आपके पास मोटरसाइकिल क्लब हाउस हो और वो सिर्फ बाइक्स प्रोवाइड करता है, कार नहीं। चेस्टर मैकवॉय यहाँ भी सिर्फ तब अनलॉक होगा अगर आपके पास बंकर या एरिना वर्कशॉप हो। गनमैन की तरह हम यहाँ भी जितना हो सके उतना सस्ता वाला ड्राइवर हायर करेंगे। अगर ये मिशन मैंडेटरी नहीं होता तो मैं इसे स्किप करने कहता, लेकिन मजबूरन हमें ये करना होगा। हम यहाँ करीम भाई को हायर करेंगे और यहाँ चारों गाड़ियों के ऑप्शन में सेंटिनल क्लासिक चूज करेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, द हैकर। हैकर में हमारे पास ऑप्शंस हैं रिकी लुकिंस, क्रिश्चियन फेल्स, योहान ब्लेयर, एवी स्क्वाड्समैन और पेज हैरिस। रिकी और क्रिश्चियन सभी के लिए अनलॉक्ड होंगे, लेकिन योहान तब अनलॉक्ड होगा अगर आपके पास नाइट क्लब हो। पेज अनलॉक होगी अगर आपके पास टेरर बाइट हो। और एवी को अनलॉक करने के लिए आपको जीटीए के अंदर सारे 50 सिग्नल जैमर डिस्ट्रॉय करना होगा। अगर ये सारे सिग्नल जैमर 20 से 30 मिनट में डिस्ट्रॉय करके आप सबसे बेहतरीन हैकर को अनलॉक करना चाहते हो तो इसे ढूंढने का मेहनत मजदूरी मैंने कर रखा है पहले से ही। आई बटन पर लिंक्ड उस वीडियो को देखिए, उसे फॉलो करिए और आप भी पूरा कर लीजिए। इस हाइस्ट में एक अच्छा हैकर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हैकर ही ये तय करता है कि वॉल्ट के अंदर आपको कितना समय मिलेगा, इसका मतलब आपको कितना समय दिया जाएगा जिसमें कि आप सारा कैश, पेंटिंग, गोल्ड या डायमंड उठा पाओ। आइए इस चीज को थोड़ा और डिटेल में जाने। अगर आप बिना अलार्म ट्रिगर किए वॉल्ट तक पहुंचते हो, एवी आपको 3 मिनट 30 सेकंड देगा लूटने के लिए, पेज 3 मिनट 25 सेकंड देगी, क्रिश्चियन 2 मिनट 59 सेकंड देगा, योहान 2 मिनट 52 सेकंड देगा और नामुरा द्रिकी, साला दुनिया का सबसे गलीज निकम्मा हैकर, आपको सिर्फ 2 मिनट 26 सेकंड देगा। और यही आप अगर वॉल्ट तक पहुंचने के पहले अलार्म ट्रिगर कर देते हो तो उस केस में हैकर के द्वारा दिया गया समय में 30% कटौती हो जाएगा। तब एवी एक बेस्ट हैकर होने के बावजूद आपको सिर्फ 2 मिनट 26 सेकंड देगा और गलीज रिकी आपको सिर्फ 1 मिनट 42 सेकंड ही देगा। तो ये बताने की जरूरत नहीं, हमेशा आपने बेस्ट अवेलेबल हैकर ही चुनना है, एवी नहीं तो फिर पेज। इनके द्वारा दिए जाने वाला टाइम में सिर्फ 5 सेकंड का डिफरेंस है और कट में सिर्फ 1% का। अब हमने अपना टीम चुन लिया है, गनमैन चुन के वेपन्स कलेक्ट कर लिया, ड्राइवर चुन के व्हीकल कलेक्ट कर लिया, हैकर चुन के हैकिंग डिवाइस कलेक्ट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं प्रेप वर्क की ओर। बोर्ड पर की सारी मिशंस जिनके ऊपर स्टार के मार्क लगे हुए हैं वो मैंडेटरी हैं। इसके अलावा दूसरे मिशंस पूरे करने पर हाइस्ट और ज्यादा मक्खन हो जाता है, लेकिन इनमें सभी की सभी करना हमारी कोई जरूरत नहीं।
नहीं है, किसे करना है, किसे स्किप करना है और ऐसा क्यों करना है, इस बारे में हम थोड़ी देर बाद जानेंगे जब हम हाइस्ट के तीन अलग अलग अप्रोच के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, क्योंकि हर अप्रोच की अलग अलग जरूरत होती है। अभी हम प्रेप वर्क के बारे में जानते हैं, यहाँ कुछ बारीक बारीक बातें हैं इस बारे में जानते हैं। 99% प्रेप मिशन ऐसे होते हैं कि वहाँ जाओ, वो चुराओ, उठाओ, फिर वहाँ ले जाकर डिलीवर कर दो। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको हमेशा गेम में दिए गए इंस्ट्रक्शन को बड़े ध्यान से फॉलो करना है, ताकि बिना मतलब के हालात बद से बदतर ना हो। जैसे कि एक मिशन है जिसमें आपको प्रिजन जाना होता है, अगर यहाँ आप प्रिजन बस चुराने में कामयाब हो जाते हो तो इसे अंदर ड्राइव करिए, साइलेंस्ड वेपन का इस्तेमाल करके या टपली मार के इस टावर के गार्ड को मार दीजिए, इसका चाबी उठाइए और यहाँ से निकलते बनिए। अगर सही तरीके से ये किया जाए तो बिना वांटेड लेवल के आप यहाँ से निकल सकते हो। और यहाँ पर अगर आपने कुछ गड़बड़ी कर दी तो ये इतना साधारण सा मिशन इतना ज्यादा हार्ड हो जाता है कि आपको संभाले नहीं संभलेगा। ठीक ऐसे ही एल्बिरो हाइट्स वाले मिशन में आपको वॉल्ट लेजर चुराना होता है। यहाँ 10,000 GTA के गुंडे और काफी भारी भरकम हथियार बंद गाड़ियाँ पहले से ही होती हैं। ऊपर से आप जैसे ही यहाँ पहुँचते हो आपके ऊपर 4-स्टार वांटेड की लेवल लग जाती है। यहाँ ज्यादा दिमाग ना मारिए, एक आर्मर्ड करूमा में बैठ के जाइए, गाड़ी के अंदर से ही सारे नामुराद मार गिराइए, बड़े आसानी से आप इन सबको मार लोगे और आइटम भी उठा लोगे बिना मरे, बिना किसी खनोच के। यही तरीका अपनाना है आपको फोर्ट जुंकाड़ो में और ह्यूमन लैब पर भी। हर बार हमें बल का प्रयोग नहीं बल्कि हमें दिमाग का इस्तेमाल करना है। दिमाग से भजिया खाओगे तो भजिया भी मीठा लगेगा। अब जैसा कि आपने सारे मैंडेटरी मिशंस कंप्लीट कर लिए हैं, टेक्निकली आप फिनाले हाइस्ट के लिए रेडी हैं। लेकिन ऐसा करने के पहले हमें हमारे अप्रोच के हिसाब से कुछ ऑप्शनल मिशन भी कर लेना है, ताकि कैसीनो के अंदर पहुंचने के बाद हमारे गांड में कम से कम दर्द हो। तो आइए इन ऑप्शनल मिशंस के बारे में जानते हैं, ताकि इसे अच्छे से समझकर आप ये खुद तय कर पाओ कि कौन सा चीज करना आपके लिए जरूरी है और किसे आप स्किप करना चाहोगे। हम साइलेंट एंड स्नीकी अप्रोच से शुरुआत करते हैं। इसमें मास्क की आपको जरूरत नहीं, और इसमें अगर आप टू प्लेयर खेल रहे हो तो आपको पावर ड्रिल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पावर ड्रिल का इस्तेमाल होता है वॉल्ट के अंदर सिक्योरिटी बॉक्सेस ओपन करने में। लेकिन टू प्लेयर्स में आपके पास उतना समय नहीं होगा तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा। 3 या 4 प्लेयर में अगर आपने हाइस्ट करना है और आप लोग सिक्योरिटी बॉक्सेस भी लेना चाहते हो तो आप ये ले सकते हो, लेकिन मैं तो रिकमेंड यही करूंगा अभी के लिए आप इसे स्किप कर दो। इसके बाद पेट्रोल रूट्स वाला प्रेप कंप्लीट करने पर सिक्योरिटी गार्ड के पोजीशंस आपको पहले से पता हो जाता है। शुरुआती दौर में आप चाहे तो इसे कर सकते हो, लेकिन मैं तो कहूंगा मेरी वीडियो को आप फॉलो कर लेना, इस प्रेप को आप स्किप कर दीजिए। इसके बाद डगन शिपमेंट आता है, जो करने पर इनिमी के पास सस्ते वेपन होते हैं और उनके पास आर्मर भी नहीं होता है, ना ही उनका हेलमेट होता है, और उन्हें आप एक ही हेडशॉट में मार सकते हो। नहीं तो अगर आप ये प्रेप स्किप कर दिए तो इन गार्ड से लड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इस प्रेप को करने के पहले आप ये याद रखिएगा कि इसे करने के लिए आपको सिर्फ 10 मिनट मिलेगा, फेल होने का कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, फिर से इसे आप रिस्टार्ट नहीं कर सकते, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। इसीलिए यह मिशन आपने बजर्ड, स्पैरो या फिर ओपरेसर से ही करना है। अगर आप जॉनी सिन मुर्गा नाइट फ्यूरी की तरह बेहतरीन पायलट हैं तो हाइड्रा या लेजर से भी ये कर सकते हैं। बस ये याद रखना कि इसे स्टार्ट करने के पहले ही आपने एक वेपनाइज्ड फ्लाइंग व्हीकल अरेंज कर लेना है, ताकि कम से कम 6 डगन शिपमेंट्स आप डिस्ट्रॉय कर पाओ। अच्छे से करो तो सारे 10 के 10 डगन शिपमेंट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। साइलेंट स्निकी अप्रोच में भी हमें कुछ गार्ड्स मारने की जरूरत है, तो ये स्किप ना करिएगा। चाहे कुछ भी हो जाए 6 शिपमेंट एटलीस्ट डिस्ट्रॉय करिएगा आप। इसके बाद आता है सिक्योरिटी इंटर प्रेप। यह प्रेप सिर्फ तब किया कराया और अनलॉक मिलेगा अगर आप डायमंड कैसीनो एंड रिसोर्ट मिस बेकर के सारे मिशन 6 के 6 कर चुके होंगे, और ये मिशन आप सिर्फ तब कर पाओगे अगर आपके पास पेंट हाउस हो। होगा क्या इसे करने पर कि मिनी मैप पर सारे कैमरा के पोजीशंस और विजन कोन डिस्प्ले करेगा, तो आप इसे इस अप्रोच के लिए स्किप कर सकते हो। फिर आता है सिक्योरिटी पास वाला प्रेप, जिसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आपने। लेवल 2 सिक्योरिटी पास चुरा कर लाना है, ताकि जो दरवाजे लॉक्ड होते हैं उस पर आप ये की कार्ड घसीट कर सीधा सीधा अंदर एंटर कर सकते हो। तो ये वाला चीज तो आपने हर अप्रोच में लेना ही लेना है। फिर आता है इन्फिल्ट्रेशन सूट्स। ये प्रेप करने पर आपको रिपेलिंग इक्विपमेंट मिलते हैं। इसका वास्तविक में इस्तेमाल सिर्फ तब होता है अगर आप हेलीपैड एंट्रेंस चूज करते हो, जिसमें कि लिफ्ट के केबल का इस्तेमाल करते हुए आपको नीचे पहुंचना होता है। और इसी सूट में आपको नाइट विजन भी मिलता है, जिसका फायदा उठाने के लिए आपने EMP वाला भी प्रेप करना होगा। EMP डिवाइस का इस्तेमाल करके 1 मिनट के लिए आप बत्ती गुल कर सकते हो, लेकिन आपके पास नाइट विजन है तो आप सब कुछ
उस अंधेरे में भी देख पाओगे और उस दिए गए एक मिनट में आप काफी कुछ कर लोगे, लेकिन हम कोई और रास्ते घुसेंगे और किसी और रास्ते बाहर निकलेंगे, तो आप इसे भी स्किप कर दो। वैसे तो आपको सारी चीजों के बारे में बता दिया हूँ, आप अपना फैसला खुद ले सकते हो कि कौन सा ऑप्शनल प्रेप आपने करना है, कौन सा स्किप करना है। लेकिन अगर आप मेरी मानो तो स्क्रीन पर एक बार फिर से देख लो, जिन प्रेप को मैंने काट दिया है क्रॉस करके, उसे आप स्किप कर दो। ये तो था सबसे ज्यादा लोचे लफड़े वाला अप्रोच। लेकिन अगला बिग कॉन अप्रोच में ऐसा कोई लोचा लफड़ा नहीं है। इसमें आप मास्क, यंग एंसिस्टर, सिक्योरिटी इंटेल, मेंटेनेंस गियर्स, बगस्टार गियर, डगन शिपमेंट, पेट्रोल रूट्स, पावर ड्रिल, ये सारे प्रेप स्किप कर दो। मत करो ससुरों को। मुख्य तौर पर आपको इसमें एंट्री डिस्गाइज में साइड साइड प्रेस करते हुए ग्रुप सेट्स गियर सेलेक्ट करना है, जो कि पहनकर आप खुलेआम अंदर घुस सकोगे सीधे वॉल्ट में। और ऑप्शनल में एग्जिट डिस्गाइज के तौर पर नूज गियर या फिर फायर फाइटर लेना है, ताकि ये पहनकर बिना नोटिस हुए आप सबके सामने खुलेआम बाहर निकल पाओ एकदम सुरक्षित अपने पूरे लूट के साथ। इसके साथ ही आपने लेवल 2 सिक्योरिटी पास मिशन यहाँ भी करना है, ताकि आपको लॉक डोर पर कीकार्ड का एडवांटेज मिले। यहाँ भी स्क्रीन पर एक बार देख लीजिए, जो प्रेप मैंने काट दिए हैं यहाँ भी आपको वो स्किप कर देना है, बाकी वाले कर लीजिएगा। प्रेप के मामले में इससे भी कम लोचा लफड़ा वाला अप्रोच है अग्रेसिव अप्रोच, क्योंकि यहाँ आपने दिमाग बिल्कुल नहीं मारना है। स्क्रीन पर जो भी चीज हिलती डुलती हुई दिखाई दे, मार गिराओ सबको, बस यही करना है। तो यहाँ भी आपने मास्क, पेट्रोल रूट, सिक्योरिटी इंटेल, टनल बोरिंग मशीन, ये सब चीज स्किप कर देना है। जो प्रेप यहाँ जरूरी है करना वो है डगन शिपमेंट, क्योंकि एक्चुअल में आपको मारपीट करना है इधर, तो अच्छा यही होगा कि ये प्रेप करके आप अपने इनेमीज को पूरी तरह कमजोर कर दो। और मैंडेटरी प्रेप्स के साथ साथ लेवल 2 सिक्योरिटी पास मिशन वाला भी यहाँ जरूरी है लॉक डोर्स के लिए। बस हो गया, यहाँ पर भी एक बार स्क्रीन पर देख लीजिए आप कौन से स्किप करना है, उसे मैंने क्रॉस कर रखा है और बाकी सारों को करना है। अब मैंडेटरी प्रेप और ऑप्शनल प्रेप हर तरह के अप्रोच के साथ हाइस्ट पूरी तरह रेडी है हमारा फिनाले करने के लिए। अब मैं आपको तीनों अप्रोच में फिनाले हाइस्ट करके दिखाऊंगा, ताकि चीजें आप और अच्छे से समझ पाओ। हम हर अप्रोच के लिए स्पेसिफिक एंट्री पॉइंट और एग्जिट का इस्तेमाल करेंगे और एक अच्छा सा प्लान बनाकर स्टेप बाय स्टेप उसे फॉलो करेंगे। साइलेंट एंड स्निकी अप्रोच से शुरू करते हैं हम। यहाँ कैसीनो स्टाफ लॉबी को सिलेक्ट करिए आपका एंट्रेंस और एग्जिट दोनों पॉइंट के तौर पे। अब हाइस्ट शुरू होते ही यहाँ बाहर के कैमरे को स्टन करते हुए इस डोर से अंदर घुसिए। अंदर जाकर आप स्टन गन का इस्तेमाल करिए इस मेटल डिटेक्टर फ्यूज बॉक्स को डिसेबल करने के लिए। अब आगे हमें इनिमीज मारने के लिए सिर्फ साइलेंस्ड वेपन का ही इस्तेमाल करना है। सामने के डेस्क पर दो नामुराद हैं, तो इन्हें छेड़ने के पहले आपको कैमरा स्टन कर लेना है, फिर इन्हें मारना है, नहीं तो अलार्म ट्रिगर हो सकता है। आगे बढ़ने के पहले यहाँ चीजें काम कैसी करती है इस बारे में समझा देता हूँ मैं आपको। स्टन गन कैमरा पर चलाने पर 15 से 20 सेकंड के लिए कैमरा डिसेबल हो जाता है। एक ही समय पर आपको ज्यादा कैमरा डिसेबल नहीं करना है, ऐसा करने पर भी अलार्म ट्रिगर हो जाएगा। इन सारे कैमरे में किसी भी एक कैमरे को आप अपने गन से डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो, लेकिन सिर्फ एक को। एक से ज्यादा कैमरा डिस्ट्रॉय किए तो भी अलार्म ट्रिगर हो जाएगा। इनिमी का पोजीशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करते हुए गश्त लगाते हैं, तो आप इसका पूरा फायदा उठा सकते हो। अब चलिए अपने मिशन पर लौटते हैं। सामने के दो गार्ड मार गिराए हैं आपने, कैमरा स्टंड है, की कार्ड है आपके पास। इस डोर के बाहर से ही अंदर के गार्ड को टपकाइए। अंदर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ कभी एक गार्ड होते हैं, कभी अंदर दो गार्ड होते हैं, और कभी कदार इनकी पोजीशंस अलग अलग जगह होती है। कंट्रोल रूम के गार्ड्स को टपका के की कार्ड स्वैप करके आप कंट्रोल रूम के अंदर जाइए। यहाँ बाहर कॉरिडोर में एक संतरी गश्त लगा रहा है, जैसे ही ये उस तरफ जाएगा इसे भी आप टपका दीजिए, लेकिन ध्यान से राइट साइड ऊपर में एक कैमरा भी है। अब कंट्रोल रूम का और कॉरिडोर का एरिया पूरा क्लियर है, बस हमें इस कैमरे को स्टन करते हुए चीजों का ध्यान रखना है। इस रूम में यहाँ एक बड़ा सा ग्रीन बटन दिखेगा आपको, इसे आप प्रेस करके रखिए और अपने साथी को कॉरिडोर के लेफ्ट में जो एक दरवाजा खुला है वहाँ घुसने कहिए। उसके घुसते ही अब ये बटन को आप छोड़ के जा सकते हो, वो डोर बंद हो जाएगा, लेकिन आपका दोस्त अंदर लगे स्विच से दरवाजा खोल के बाहर आ सकता है। इस छोटे से रूम में एक कैश की ट्रॉली होती है, जिसमें आपको 30,000 से लेकर 1,00,000 के बीच
बीच कोई भी अमाउंट मिल सकता है। ये ज्यादा नहीं है लेकिन ग्रीड इज द नेम ऑफ द गेम। बेहतर यही होगा कि ये कुछ चंद हजार उनके पास होने के बजाय हमारे पास हो। अब हमें यहाँ सीढ़ियों का इस्तेमाल करके नीचे पहुँचना है। रास्ते में ध्यान से आगे बढ़ना है। यहाँ वेट करिएगा, एक गार्ड मिलेगा, इसे टप्पू देके टपका देना है। फिर और नीचे जाओगे, यहाँ कैमरा होगा, स्टन गन से इसे डिसेबल करिए और बेसमेंट तक पहुँचिए। अब यहाँ पहुँचकर एलिवेटर के सामने खड़े दो लफंगे को भी टपका दीजिए। फिर हम ग्लास डोर की ओर जाएंगे। ध्यान से, आगे कैमरा और गार्ड दोनों भी हैं। मैं तो कहूँगा कि एक कैमरा को आप गोली से उड़ा सकते हो, आप इसी भूतनी वाले को उड़ा दो। अब यहाँ से एक गार्ड आएगा जिसका कोई भरोसा नहीं, ये कभी राइट भी जाता है तो कभी लेफ्ट भी। ये किसी भी ओर आए, कैमरा डिस्ट्रॉयड है। आप प्रिपेयर्ड रहिएगा और इस लुल को भी टपका दो। अब चलिए इस ग्लास डोर के अंदर चलते हैं। यहाँ डेस्क के पीछे गार्ड्स हैं, इनको भी बड़े आसानी से आप टपका लो। फिर कैमरा डिसेबल करके यहाँ से आगे बढ़ो। यहाँ सिक्योरिटी चेक पॉइंट वाला गार्ड बाहर की ओर देख रहा है। कुछ ना करिए, जिंदा छोड़ दीजिए इस जलील कुत्ते को, आगे बढ़िए। कभी कदार ये होता है कि ये इस ओर हमारे रास्ते की ओर देख रहा होता है, तब भी हमें इसके मुंह नहीं लगना है। आप लेफ्ट साइड की दीवार में चिपक के आगे बढ़िएगा, ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। अब यहाँ कार्ड रीडर के पास आ गए आप। दो प्लेयर एक साथ कार्ड स्वाइप करिए और मैन ट्रैप से होकर आगे बढ़िए। देखिए, बिना अलार्म ट्रिगर किए हम इतनी आसानी से आ गए यहाँ। अब यहाँ वॉल्ट के डोर में ड्रिल करना है। ड्रिल करते वक्त कुछ बातें हमें याद रखना है, जैसे कि ड्रिल का टेम्परेचर हाई ही रखना है, लेकिन ये मैक्स होते ही हमारा हाथ जल जाता है, तो हम कोशिश करेंगे इसे 800 डिग्री फ़ारेनहाइट पे मेंटेन करने की। ये डोर खुलते ही आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, तो टीम वर्क आपने पहले ही बांट लेना है। दो या तीन प्लेयर में आप में से जो बेस्ट हैकर होगा वही हैकिंग करेगा, बाकी लोग लूटेंगे। अगर आप चार प्लेयर हो तो दो लोग हैकिंग करेंगे, दो लोग लूटेंगे। या फिर अगर आप सारे के सारे हैकिंग करना अच्छे से जानते हो तो सभी लोग एक एक डोर पहले हैक करो, उसके बाद में लूटना स्टार्ट करो। हैक का जो पैटर्न है ये बड़ा अजीब है, मैं नहीं चाहता कि आप इस पर अपना दिमाग मार के दिमाग खराब करो। स्क्रीन पर ये जो पैटर्न वाला चीज है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं इसका इमेज लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप अपने पास रख लीजिए। इसे देख कर बस ये पैटर्न फॉलो करिए, काम हो जाएगा। और अगर आप बॉक्सेस भी लूटना चाहते हो तो टारगेट करिएगा उन बॉक्सेस को जिन पर रेड लाइट मार्क्ड होगा, लेकिन ये तब करिएगा अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचे, और ये आप सिर्फ तब कर पाइएगा अगर आपने पावर ड्रिल वाला प्रेप कर रखा होगा। तो अभी के लिए इसे स्किप करिए, हम बस ज्ञान का आदान प्रदान कर रहे हैं। एक बार ये पूरा एरिया लूट लाट हो गया कि जैसे ही सिर्फ 20 सेकंड बचेगा बाहर की ओर भागिएगा। लूट कंप्लीट नहीं भी हुआ हो तो भी छोड़ दीजिए, लालच ना करिए और भागिए, हमें अलर्ट नहीं करानी है। टाइम खत्म होने के पहले ही अगर हम वॉल्ट के बाहर निकल गए तो अलार्म ट्रिगर नहीं होगा। बाहर निकल के मैन ट्रैप से यहाँ से चेक पॉइंट पर पहुँचिए। एक गार्ड दूसरी ओर मुंह करके खड़ा है, इसे टपकाइए, कैमरा स्टन करिए, आगे बढ़िए। यहाँ ग्लास डोर के पास वाला कैमरा आपने डिस्ट्रॉय पहले से ही कर रखा है, आप बिना रुके आगे बढ़िए। यहाँ इस सीढ़ियों से ही आप निकल लीजिए ऊपर। अगर आप में थोड़ी सी चुल मच रखी है इन गार्ड्स को मारने की, तो थोड़ा आगे जाकर इन खजांचियों को मार के आप अपना कलेजे को ठंडा करिए। अब आप चाहे तो लिफ्ट से भी जा सकते हो या फिर सीढ़ियों से जा सकते हो, हम सीढ़ियों वाला मार्ग ही चुनते हैं। डोर खुलते ही यहाँ ऊपर वाले कैमरे को स्टन करिए, ऊपर की ओर बढ़िए, ऊपर पहुँच कर डोर खोलिए और लेफ्ट की ओर चलिए। दाएं तरफ जो कंट्रोल रूम है, उस रूम में घोरशा मचा रखा है गार्ड्स ने। नए प्लेयर के लिए ये मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, हम वो वाला रूम अवॉइड करेंगे। हम उधर से नहीं बल्कि ये पीछे की ओर से घूम कर जाएंगे। यहाँ कैमरा स्टन करके लेफ्ट की ओर घुसिए, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ध्यान से, कभी कदार ठीक सामने गार्ड खड़ा हो सकता है, अगर खड़ा है तो मार गिराइए, कोई नहीं है तो आगे बढ़िए और ठीक यहाँ वेट करिए। गार्ड वहाँ नहीं था तो आपको यहाँ जरूर मिलेगा, गार्ड को यहाँ निपटा दीजिए। अब हम इस हॉलवे के आगे का जो कैमरा है उसे अवॉइड करेंगे, यहाँ राइट साइड इस लॉन्ड्री रूम में घुसेंगे। इस लॉन्ड्री रूम से निकलकर इस हॉल में ये यहाँ पर ठीक बिल्कुल यहीं पर रुक जाना है। सामने लॉबी के एरिया में जो गार्ड का पोजीशन है आपको यहीं से पता चल जाएगा, उसे आने दीजिए। और जब वो वापस की ओर निकलेगा ठीक उसी समय आप इस डोर को खोल के इस गार्ड को मारोगे, और ठीक इसी समय आपका साथी यह दरवाजा खुलते ही कैमरे को स्टन करेगा ताकि कैमरा अलर्ट ना करे। हो गया, लॉबी क्लियर है। आगे बढ़कर फ्यूज बॉक्स को फिर से हम स्टन करेंगे। यहाँ से हमने एस्केप कर लिया है बिना डिटेक्ट हुए। बाहर पहुँचते ही फेंस जंप करिए, आगे राइट साइड की तरफ चिपक के हमें आगे बढ़ना है। पुलिस हमें ढूंढ रही है लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हम यहाँ हैं। इस वाले गार्ड को निपटाइए, गाड़ी के पास वाले
गार्ड को भी निपटाइए। हमें ढूंढा जा रहा है लेकिन अलर्ट अब तक नहीं हुआ है। यहाँ पहुँच कर हमें इस बड़े वाले फेंस को लांग कर कूद जाना है और यहाँ से हमें रोड पर पहुँचना है। हम खुद की गेटवे गाड़ी तक भी जा सकते हैं लेकिन वो ज्यादा रिस्की है। हम रोड पर की जो NPC गाड़ी है यही लेकर भाग सकते हैं जो कि ज्यादा आसान रहेगा। आपने वही करना है। सामने आती गाड़ी के ड्राइवर को ठोंकिए, गाड़ी लीजिए, यही रोड के बगल में नाला है, इधर गाड़ी कूदा के इस सीवर में चले जाइए। अब यहाँ अंदर वेट करके अपना वांटेड लेवल हटा लीजिए, फिर अंदर से ही आगे बढ़ते हुए बायर तक पहुँच जाइए। हाइस्ट हो गया आपका कम्प्लीट, बिना अलर्ट हुए, बिना $1 का नुकसान हुए। अब हम दूसरा वाला अप्रोच ट्राई करेंगे, द बिग कॉन वाला अप्रोच, जो कि सबसे आसान है। और इस अप्रोच में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पूरा का पूरा हाइस्ट एकदम अननोटिस तरीके से करोगे और पूरे हाइस्ट का पैसा जो है वो पूरा का पूरा आपके जेब में होगा, एक चवन्नी भी लूज नहीं करोगे आप। इस वाले अप्रोच में आप ग्रुप सेट्स को एंट्री डिस्गाइज के तौर पे और नूज को एग्जिट डिस्गाइज के तौर पे सेलेक्ट करिए। आप एग्जिट पॉइंट स्टाफ लॉबी रखिएगा और मिशन स्टार्ट होते ही आप आगे बढ़ते बढ़ते इस कैसीनो के अंदर पहुंच जाओगे। कुछ नहीं करना है, बस इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। कुछ ही पल में आप वॉल्ट के सामने होंगे बिना अलार्म ट्रिगर हुए। अब यहाँ आपके पास मैक्स टाइम है जितना कि आपका हैकर आपको ऑफर कर सकता है। इस वॉल्ट बॉक्स में पिछले अप्रोच में हमने जो किया था, इस अप्रोच में भी हमने वही करना है। टीम बांट लीजिए, लूटने का सारा तरीका वही होगा, लूट लाट करके टाइम खत्म होने के पहले वॉल्ट से बाहर निकल जाइए ताकि अलार्म ट्रिगर ना हो। यहाँ से निकलकर सीधा जाइए, अभी भी अलर्ट नहीं हुआ है। लिफ्ट से सीधे स्टाफ लॉबी में जाना है अपने। लिफ्ट जैसे ही ऊपर पहुंचेगा आप यहाँ वेट करिए, जैसे ही आपके सामने ये गार्ड गुजरेगा आप निकल के इसको टपली मार दीजिए। और एक चीज याद रखिए कि इस वाले अप्रोच में आपको गोली नहीं चलानी है क्योंकि आपके बंदूक में साइलेंसर नहीं है, हमें यहाँ पर टपली मारकर ही काम चलाना है। तो इसलिए सुअर को टपली मारकर निपटा दिए हमने। अब यहाँ से लेफ्ट की ओर जाएंगे हम और फिर यहाँ पर जो कैमरा है उससे बचने के लिए राइट साइड दीवार में चिपक कर हम आगे बढ़ेंगे, कैमरा डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। अब इस रूम में घुसिए, इस रूम में जैसे ही घुसोगे आप और आपके सभी साथी आप सारे इधर उधर दुबक के छुप जाइएगा। कोई इस दरवाजे के ग्लास के सामने खड़ा नहीं होगा वरना जो गार्ड आगे से आ रहा होगा वो अलर्ट करा देगा। ये गार्ड आके ठीक दरवाजे के दूसरी तरफ रुक जाएगा और वापस पलटेगा। जब वो वापस पलटेगा आप ये दरवाजा खोलकर उसके पीछे जाइए, टपली मार के उसे सुला दीजिए और इसके बाद तुरंत आगे बढ़ते हुए यहाँ से दाएं वाला ये जो लॉन्ड्री रूम है इस रूम में घुस जाइए। अब यहाँ आप लोग पूरी तरह सेफ हैं, कोई नहीं आएगा अंदर। सारे प्लेयर्स नूज के कपड़े पहनिए, हर प्लेयर का कपड़ा अलग अलग जगह पर होगा जो कि आप मैप में देख पाओगे। अब आप नूज के भेष में हैं, खुलेआम बाहर निकल जाइए और यहाँ से एग्जिट करिए। फिर से रेस ट्रैक से ही जाना है आपको। देखिए आपको ढूंढ रहे हैं आपके सामने लेकिन ये अलर्ट अब भी नहीं हुए हैं, उन्हें ये नहीं पता कि इस भेष में आप ही हैं। इन सब चीजों का फायदा उठाइए, आगे बढ़िए, इस बड़े वाले फेंस को लांग के आगे भागिए और यहाँ रोड पर जो भी गाड़ी मिलेगी उसे उठा के भाग जाइए। यहाँ गलती क्या हो सकती है, अगर हम अपने गेटवे कार तक पहुँचने की कोशिश की तो सिटी की पुलिस हमें पहचान जाती है, इसलिए आप वो ना करना। रोड पर जो गाड़ी मिलेगी वही पकड़ के सीवर में जाइए, फिर सीवर टनल में जाके सस्पेक्ट लेवल लूज करिए और बायर के पास जाके हो गया इसे पूरा करिए। एकदम मक्खन की तरह हो जाएगा ये हाइस्ट और पूरे के पूरे आपके डॉलर आपके जेब में होंगे। अब आगे बढ़ते हैं हमारा लास्ट अप्रोच अग्रेसिव अप्रोच की ओर। सीवर टनल को हम एंट्री पॉइंट रखेंगे, स्टाफ लॉबी को एग्जिट पॉइंट। इसमें ज्यादा कोई टेक्निकल ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, जो नामुराद दिखेंगे उनको टपकाओ और आगे बढ़ो। यहाँ सारे नामुरादों को धुनकते हुए बेसमेंट होकर वॉल्ट तक पहुँच जाइए। अब जैसा कि हम इतना खोपड़ी तोड़ बंदूकबाजी करते हुए आए हैं तो याद रखिए दुनिया की हर तरह की जो अलार्म है वो सारे अलार्म ट्रिगर हो चुके हैं, तो टाइम है वो तो हमें लिमिटेड टाइम ही मिलेगा, कम ही मिलेगा। तो यहाँ हमारा फोकस मेन टारगेट के ऊपर ही होगा और किसी टेबल को भी लूटना शुरू करने के पहले अब जो भी प्लेयर्स होंगे सभी के सभी एक एक लॉक डोर पर थर्मल चार्जेस लगा दीजिएगा, उसके बाद लूटना शुरू करिएगा। जब तक वो डोर खुलेगा आप इधर लूट लाट करोगे, फिर बाहर के टेबल लूटने के बाद आप लोग अंदर के टेबल लूटोगे और टाइम होने के बावजूद आप थोड़ा देर अंदर यहाँ रह सकते हो, स्नैक्स खाते हुए आपकी लाइफ बढ़ती रहेगी। तो कोशिश करना ज्यादा लूट लेकर जाना यहाँ से। चार प्लेयर में लिमिटेड टाइम होने के बावजूद आप पूरा का पूरा तिजोरी खाली कर सकते हो। इस तिजोरी को लूट लाट करके वापस भी हम गोलीबारी करते हुए ही जाना है। हम पीछे वाला बीकॉन साइलेंट स्नीकी में जो रास्ता जो रूट फॉलो किए थे वही रूट हम इस बार भी फॉलो करेंगे और यहाँ पर क्या कैसे करना है वो बताने की जरूरत नहीं, जो सामने
सामने दिखेगा उसे मार गिराना है, क्योंकि अलर्ट तो पहले से ही हो रखा है, इससे बुरा और भी क्या होगा। सबको मारो, आगे बढ़ो। बाहर यहाँ पहुंचकर भी गोलियां चलाते हुए आगे बढ़ना है। फेंस कूदकर रोड पर पहुंच जाना है। रोड से कोई गाड़ी उठाओ, फिर सीवर टनल में जाके वांटेड लिवर क्लियर करो और यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। ये अग्रेसिव अप्रोच बेशक सबसे ज्यादा मजेदार है, लेकिन इसका दिक्कत ये है कि पैसा इसमें आपको बहुत ही कम मिलता है, क्योंकि आप पर जब गोलियां पड़ती है तो ये गोलियां आपके डफल बैग के ऊपर भी पड़ती है, तो कैश गिरता है, इसलिए लूट का टोटल वैल्यू कम कम होते जाता है। एक और बात कहना चाहूंगा कि वॉल्ट में अगर डायमंड या गोल्ड ऐसा कुछ लूट है तो अप्रोच हमेशा आप बिग कॉन वाला ही रखना, कम से कम पैसे लूज होने के चांसेस होते हैं और वो वैल्यूएबल्स लूट है इसलिए। तो भाई लोग, यही था कैसीनो हाइस्ट गाइड, जिसमें कि हमने देखा हाइस्ट कैसे अनलॉक करना है, इसके लिए प्रॉपर्टी कौन सा खरीदना है, स्कोप आउट मिशन को कैसे अंजाम देना है, टीम कैसे चूज करना है, प्रेप मिशन में मैंडेटरी प्रेप में किन बातों का ध्यान देना है, ऑप्शनल में कौन से चीजें स्किप करना है, कौन से करना है, अलग अलग अप्रोच के साथ हाइस्ट को कैसे मक्खन की तरह अंजाम देना है, शुरू से अंत तक सारी बातें जानी हमने। तो आशा करता हूँ कि शायद मैंने आपको इस हाइस्ट के बारे में अच्छे से बता पाया। काफी लंबी वीडियो हो गई है, बनाते हुए मेरे तेल निकल गए, चीखे निकल गए। तो अगर पसंद आया होगा वीडियो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको GTA RDR जैसे ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम साथ में खेलने के लिए प्लेयर्स चाहिए तो आप हमारा पेड वाला डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करना है उसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करिए। तो ठीक है भाई लोग, मैं मिलता हूँ आप लोगों को किसी और वीडियो में। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जो अंत तक वीडियो देखता है वो होता है योद्धा।